रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल। सभी भाई लोगों का फिजिकल हो चुका है और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल का कट ऑफ क्या रह सकता है। और हमने सबसे पहले फिजिकल अधिकतर चल रहे थे, तब हम सबसे लिस्ट मंगाते जा रहे थे कि मतलब किसने कितना का फिजिकल करा है, रिटर्न में कितने हैं सबका। जैसे हमने रतलाम का डाटा हमारे पास लगभग अधिकतर आ गया चुका है, और विदिशा का भी डाटा आ चुका है। इंदौर उज्जैन में भी हमारे सभी कोच वगैरह सर से बातचीत होकर हमने सबको डाटा कलेक्ट करा। फिर हमने गूगल फॉर्म भी डाला था, यूट्यूब पे डाला था, जिसमें सबने डाटा को फिल करा है। कुछ है जिनने गलत डाला है वो ठीक है, बाकी हमने अधिकतर लड़कों ने जो डाटा डाला वो सही डाला है। उसी के हिसाब से हम, उसी के बेस पे हम कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं आज, और देखते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है। और अधिकतर लड़कों ने फिजिकल बहुत अच्छा करा है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो मेहनत कर रहे थे, जो कंटिन्यू थे, उनने फिजिकल अच्छा करा है। बाकी जो ऐसे ही रेंडम आके फिजिकल देने गया, उसका पूरा डाउन, पूरा बिगड़ा फिजिकल, वो मिनिमम 50 नंबर भी नहीं ला पाया। और जो मेहनत कर रहा था कंटिन्यू, वो 50, 60, 65, 70 के आसपास एवरेज लड़के रहे। और बहुत सारे पहले वीडियो डाल रहे थे कि भैया हमारे 90 बन रहे, कोई बोला था 93 बन रहे। वो तो अधिकतर एकेडमी थी जो डाल रही थी कि हमारा बहुत ज्यादा फिजिकल बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब उन्हें वहां देने जाते हैं ना, तो फिजिकल अधिकतर लड़कों का कम ही होता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, डर लगता है अंदर से कि क्या रहेगा फिजिकल, क्या रहेगा, उस बिगड़ नहीं जाए। इस चक्कर में अधिकतर लड़कों का फिजिकल कम रहा। और कोई तो ऐसे दौड़ रहे थे जिनका ग्राउंड छोटा था, ऑलरेडी बता रहा था हमारा टाइमिंग अच्छा रहा। ऐसा कुछ नहीं हुई है, फिजिकल सबने, मतलब जो मेहनत कर रहा था उनने तो अच्छा ही करा फिजिकल। बहुत कम लड़के जो 75 पार हुए हैं, अधिकतर लड़के 70 के आसपास ही है। और हम जिसके रिटर्न में अच्छे हैं, तो वो फिजिकल और दोनों मिला के मतलब एवरेज कट ऑफ के आसपास आ रहा है। तो आज देखेंगे हम कट ऑफ क्या रह सकती। सबसे पहले हम यूआर की बात करेंगे, यूआर का भाई कितना रह सकता कट ऑफ, यूआर में क्या है रह सकता कट ऑफ, देखते हैं हम। सबसे पहले यूआर, यूआर का कट ऑफ 152 से 152 से 156। बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे भैया ये कट ऑफ बहुत कम है, इससे ज्यादा ही जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं। और बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे कि इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, कम जाएगी वो ठीक है, बाकी एवरेज अगर निकाला जाए ना, तो लगभग इसके आसपास ही आ रहा है। क्योंकि इसमें अधिकतर लड़के एसटीएससी, ईडब्ल्यू, ओबीसी वाले सभी फाइट करेंगे, क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो इन कैटेगरी में अच्छे नंबर लेके आएंगे वो यूआर में फाइट करेंगे। और ओबीसी का देखते हैं, ओबीसी की क्या कट ऑफ रह सकती है, 147 से 151 के बीच। ओबीसी के अधिकतर लड़के 147 से 151 के बीच कर रहे। किसी ने अच्छा स्कोर भी करा, कोई 160 तक भी जा रहा है, कोई 170 भी मार रहा है, बाकी वो बहुत गिने चुने लोग हैं जिन, मतलब 160 170 के आसपास जा रहे हैं, जिनने फिजिकल में भी अच्छा स्कोर करा और रिटर्न में भी अच्छा स्कोर करा। बाकी अधिकतर लड़के 147 151 के, मतलब 147 से भी बहुत नीचे है। ओबीसी वाले बहुत सारे लड़के ऐसे भी जो 157 से नीचे भी जा रहे हैं। बाकी कट ऑफ की अनुमान लगाया जाए 147 से 151 के बीच रहेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है ये रह सकता है। और इसमें भी अगर देखा जाए टोटल जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कम से कम प्लस माइनस 2 मान लेना, मतलब 2 बढ़ भी सकते घट भी, पर अधिकतर चांस है कि 2 कम ही होंगे, उससे ज्यादा जाने के कोई चांस नहीं। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं हम, 146 से 148 के बीच रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का 146 से 148, ईडब्ल्यूएस के मतलब लड़कों ने फिजिकल अच्छा करा। बाकी जो रिटर्न का नंबर है ना, उनने रिटर्न में थोड़ा कम स्कोर किया। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका 74 पे भी हुआ, 73 पे भी हुआ, 72 पे भी हुआ ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में अधिकतर लड़कों का 75 के आसपास ही कट ऑफ गई थी रिटर्न वाली। और एससी की बात करें, एससी का कट ऑफ 141 से 144 के बीच में। बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे भैया एससी का कट ऑफ इतना हाई जाएगा, और कुछ बोलेंगे भैया हमारे तो 155 बन रहे। भैया आपके बनने से कुछ नहीं होता, कट ऑफ एवरेज देखा जाता है कितना क्या बन रहा है, ठीक है। और एसटी का देखा जाए 138 से
140 के बीच। एससी और एसटी में लड़कों का फिजिकल बहुत अच्छा था और सबने मतलब अच्छा स्कोर करा फिजिकल में, और बाकी उनके रिटर्न में है ना बहुत कम नंबर है। जो 65 वाले बंदे हैं वो भी क्वालिफाई हुए हैं, किसी के 70 नंबर है, कोई इसकी 68 है, बाकी इससे भी कम जाने के चांस है एसटी और एसटी में, एससी और एसटी के। बाकी अनुमान अभी ऐसा लगा जा रहा है रिटर्न और फिजिकल दोनों मिला के, अगर हमने सब डाटा को एनालिसिस करा उसके हिसाब से अधिकतर लड़के इस रेंज में फॉलो कर रहे हैं। और यूआर का एक बार बता दूं मैं, 152 से 156 के बीच रह सकती है, ओबीसी से 147 से 151 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 146 से 148 के बीच में, एससी 141 से 144 के बीच में, और एसटी का कट ऑफ रह सकता है 138 से 140 के बीच में। ठीक है, अब बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे भैया ये तो बहुत कम है कट ऑफ, बाकी ऐसा कुछ नहीं, बहुत कम नहीं है कट ऑफ, क्योंकि अधिकतर लड़कों ने अच्छा स्कोर करा, माना हमने कि बहुत अच्छा स्कोर करा, बाकी कुछ लड़के ऐसे भी जिनके बहुत कम लो स्कोर है, जिनके फिजिकल में 50 नंबर भी नहीं हो रहे, बाकी जिनने मेहनत करी वो लगभग इस रेंज में आ रहे हैं। और इस कट ऑफ का अनुमान लगाया जाए, मेरे अनुमान से इससे 2 नंबर आप माइनस कर सकते हो, अगर जिनके 144 भी हो रहे हैं ओबीसी वगैरह में, 150 के आसपास हो रहे हैं यूआर वगैरह में, तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, हो जाएगा उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें नंबर सभी के बढ़ेंगे, और ये जो कट ऑफ है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद भी लगभग अगर नॉर्मलाइजेशन में 3 4 नंबर 5 नंबर का आसपास किसी के बढ़ रहे हैं तो इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, और किसी बहुत सारे लड़के जिनके कम भी हुए होंगे। ठीक है, वीडियो तो हम बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे भैया ये कट ऑफ का वीडियो बना दो, तो भैया हम कट ऑफ का वीडियो बना देते, बाकी हमने डाटा पहले कलेक्ट करा कितने का फिजिकल बन रहा है, किसने सब जितने भी हमारे यहाँ रतलाम में भी फिजिकल देने गए थे, अधिकतर बंदों ने बहुत अच्छा स्कोर करा है, फिजिकल में भी अच्छे और रिटर्न में भी अच्छे, तो इसलिए अधिकतर हमने सब का डाटा कलेक्ट करा, उसमें देखा कितना कितना स्कोर रह रहा है सबका, तो उस हिसाब से हमने कट ऑफ बनाया है। बाकी जिसको भी कट ऑफ अच्छा लगा मतलब अनुमान, मतलब हमने पूरा है ना डाटा को एनालिसिस करके कट ऑफ बनाया है, ऐसे ही उठ के आके कट ऑफ नहीं बनाया है। ठीक, और जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, जो भी अगर जिसको भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं भैया आपका फिजिकल क्या रहा है, तो मेरा बता दूं फिजिकल मेरा क्या रहा है। सबसे पहले मेरे थे, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मेरे रिटर्न में 75 थे, रिटर्न में मेरे 75 थे और मैंने फिजिकल में 79 स्कोर करा। ठीक है, मैंने रिटर्न फिजिकल में 79 स्कोर करा और मेरे टोटल हो गए 154 नंबर। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है मेरी। ठीक है, बाकी हिम्मत सर है जिनने मेरे को बहुत सपोर्ट करा और बोले मैं मेरे पूरे मतलब 30 नंबर उनके ही देने। ठीक है, और अधिकतर रतलाम में लड़कों में अगर गोला जिसने बढ़ा है तो वो सब हिम्मत भैया के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे और अधिकतर वहीं से सीख के गए। ठीक, जय हिंद फ्रेंड्स, जिसको भी वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।